आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक और सरसों का बहुत ही स्वादिष्ट साग बनता है। और ये देखिए हम पालक लिए हैं, ये पालक मेरा 250 ग्राम है, इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। और ये सरसों भी मेरा 250 ग्राम है, इसे हम इसका डंठल ठो निकाल कर और अच्छी तरह से इसे हम साफ़ कर लिए। फ्रेंड्स देखिए इस तरह का जो डंठल रहता है उसे आप निकाल दीजिएगा तो ये बहुत ही मुलायम बनेगा। तो देखिए इसे हम अच्छी तरह से सब निकाल कर साफ़ कर लिए और इसे हम बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो अब एक हम लिए हैं कुकर और कुकर में हम एक गिलास पानी डालेंगे और ये एक गिलास पानी डाल दिए और इसमें हम जो साग बारीक काट कर रखे थे उसको डालेंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे, नमक अपना स्वाद के अनुसार डालिए फ्रेंड्स। और उसके बाद हम ये जो बारीक काट कर दोनों एक साथ ही हम साग को डाल देंगे। देखिए इसी तरह आप सभी साग को नीचे में ही डाल लीजिए और अच्छी तरह से इसे मिलाकर अब इसे हम बंद कर देंगे, ढक्कन को लगा देंगे और इसे हम मीडियम आंच पर 5 से 6 सीटी हम इसे लगाएंगे। जब मेरा 5 सीटी लग जाएगा तब इसे हम देखेंगे। तो चलिए हम गैस पर इसे रखते हैं, तो गैस ऑन कर और इस पर हम कुकर को रख दिए और फ्लेम को हम कम कर दिए और इसे हम सीटी लगने देते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी बनती है और सरसों के साग का भी सीजन है, इस सीजन में सरसों के साग बहुत ही मिलती है और इसे खानी चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो देखिए ये मेरा सीटी लग चुकी, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। जब मेरा अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब ये सीटी को ढक्कन को निकालेंगे। तो देखिए ढक्कन सीटी निकल गया है और ढक्कन को हम खोल दिए। अब इसमें बहुत सारा पानी है, ये पानी को सभी को हम निकाल देंगे पानी को, और जब सब पानी सूख जाएगा तब इसे हम साग को मैश करेंगे, मिलाएंगे। तो देखिए इसे हम बीच बीच में चला चला कर इसका सभी पानी को हम सुखा देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी से खोल रही है, साग बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब इसमें हम ये एक दो हरी मिर्च और ये अदरक है और ये लहसुन की कलियां है और ये जो लहसुन का उजला वाला पार्ट और हरा वाला पार्ट हम अलग अलग काट के रखे हैं। अब इसे हम देखिए मेरा साग इस तरह आपका सूखना चाहिए फ्रेंड्स, जब इस तरह का साग सूख जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए हम साग को एक बॉल में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो सभी को हम निकाल लिए और इसे हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, थोड़ा सा गर्म में ही इसे हम मिलाएंगे, नहीं तो ये अच्छी तरह से मिल नहीं पाएगी। तो अब इसमें हम सरसों का तेल डाल दिए, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, कच्चा ही डालेंगे। और ये हरी मिर्च और लहसुन की जो 4-5 कलियाँ काट कर रखे थे बारीक उसे डाल दिए और ये उजला वाला लहसुन है और ये हरा जो पार्ट होता है लहसुन का, ये हरा लहसुन है फ्रेंड्स, अभी हरा लहसुन बहुत ही मार्केट में आ रही है। और इसे अपने साफ हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे और चारों तरफ से इसे मिला लिए। देखिए ये कितने ही मुलायम और बहुत ही अच्छी बनी है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। देखिए ये बहुत ही अच्छी लगती है, ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं आप, तो इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, अभी सीजन है, इसे ज़रूर आप खाइए फ्रेंड्स। और अपना अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते, बाय बाय।